नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मंत्री है साहब, किसी की इतनी हिम्मत कि कोई उनसे सवाल कर जाए। अब जब सवाल कर ही लिया है तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। शायद यही हुआ उत्तर प्रदेश के जिला संभल के एक तथा कथित पत्रकार के साथ, जहां यूपी सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री से सवाल करना, उन्हें उनके चुनावी वादों को याद दिलाना भारी पड़ गया और ले गई पुलिस पकड़ कर। बता दें कि संभल पहुंची शिक्षा मंत्री एक कार्यक्रम में, तो पत्रकार ने मंत्री से सवाल किया। वहीं मंत्री ने दिखाई सत्ता की हनक, अपने ही कार्यकर्ता से तथाकथित पत्रकार के खिलाफ दर्ज कराई FIR। मंत्री का इससे भी पेट नहीं भरा तो पुलिस पर डाला प्रेशर, ऊपर से आया प्रेशर तो पुलिस भी आई हरकत में, और आनन फानन में पुलिस ने पत्रकार को गिरफ्तार कर भेजा न्यायालय। लेकिन न्यायालय से तथाकथित पत्रकार को मिल गई जमानत। गौर करने वाली बात यह है कि आखिर पत्रकार ने ऐसा कौन सा सवाल किया था जिसको लेकर उसको न्यायालय जाना पड़ गया। बता दें कि पत्रकार ने तो मंत्री को चुनाव जीतने से पहले किए गए विकास के वादे अपने सवालों के जरिए याद दिलाए थे। अफसोस की बात यह है कि पत्रकार को सवाल के जवाब में लग गई हथकड़ी। फिलहाल पत्रकारिता गलियारों में बनी हुई है चर्चा का विषय। वही सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल होने लगा तो मामले ने तूल पकड़ लिया। वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर के कई नेताओं ने उठाई आवाज। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर मामले को पोस्ट भी किया गया है। यूपी सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी चंदौसी से विधायक भी हैं। पुलिस ने तथाकथित पत्रकार पर मारपीट करने के मामले में दर्ज किया है मुकदमा। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के बुद्ध नगर का ये पूरा मामला है। आपने कहा था कि ये खड़गवंशी समाज का गांव, यानी मेरा अपना गांव है, तो आपने कहा था कि मैं बुद्ध नगर खंडुआ जो मेरे एरिया में आता है इसे मैं गोद ले रही हूँ, और आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि यह गांव मेरा है और मैं इस गांव की हूँ। आपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा था कि जो आप काम है आपका वो आप मुझसे कहें, मैं इसका पूर्ति कराऊंगी, और अगर इस बार मेरी विजय होती है तो मैं इस गांव में दोबारा आऊंगी। इसके बाद भी आप इस गांव में दोबारा नहीं आई थी। बुद्ध नगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है, और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराऊंगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक या पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं, और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ के मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी, आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहां पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं? समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर ये एक तो नहीं बताइए आपने, आप प्रचार कर रहे जी मैम, एक बात समस्या रखवा रहे हैं। आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो, मीडिया की तरफ पूछो कि मैं का काम तब तक करूंगी जो आपने कहा। एक मिनट आप सर, एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो केस क्या कराएंगे हम? लिखित रूप में भाई, कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुद्ध नगर वासी सहमत है नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ, बरातघर है कोई? अभी आमने सामने कोई भी बरातघर है? रास्ता है? नहीं बात रख रहा, तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। और जब बात रखी जाए तो रखने दो बात, तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी जी। जो तूने कही है अभी समय नहीं निकला है, ये गांव कुंदनपुर तो भूल गया, कुंदनपुर भी मेरा है और बुद्ध नगर भी मेरा है, ये दोनों ही गांव मेरे हैं, और इनमें जो जो बातें मैंने कही है धीरे धीरे ये उसके मजरे हैं, ये बुद्ध नगर कुंदनपुर और ये खंडुआ, ये सब जब शुरुआत मैंने की है तो वहाँ पर भी पूरी काम होगा, जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे, जैसे कि आपने जल्दी करूँगी, जैसे आपने कहा आप शौचालय बनवा दे। मैंने मंत्री जी से सवाल जवाब किया था, उन्होंने कहा था कि 75 लाख एक गांव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं और वहां पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है,
ये सवाल पूछने के बाद किसी बात के ऊपर यहाँ लाया गया हथकड़ी लगा के यहाँ पे क्यों लाएंगे? मंत्री जी ने खुद इसके लिए कहा कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल जाते हैं बुला रहे हो भी। लेकिन FIR जो तुम पे दर्ज हुई है वो किसी शुभम राकम ने कराई है, ये कहने पर कि आपने वहाँ मंच पर चढ़ गए बदतमीजी की किसी से। नहीं, मैं मंच पर नहीं चढ़ाऊँ, मैं पीछे इजाज़त ली थी मैंने डॉक्टर प्रेमपाल से, सचिव साहब से, सबसे मैंने इजाज़त ली है, उसके बाद मैंने कुछ जानकारी दी कि इनसे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, सबूत तो ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ गाली गलौज करी किसी से? गाली गलौज मेरे पास वीडियो है कि सबूत है और किसी के पास गाली गलौज की हो तो इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। तो क्या मानते हो FIR कैसे दर्ज हुई आप पे? आपने कोई गलत हरकत की वहाँ? बिल्कुल नहीं की है, कोई गलत हरकत नहीं की है। जब कोई गलत, जब आपके बारे में कोई गलत न्यूज़ दे रहा है कि हम यहाँ पर इतना विकास कर दिया और आपने कुछ भी नहीं किया, तो बताइए आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे नहीं उठाएंगे? अब आपको कहाँ लाया गया है? कहाँ लाया गया आपको? पुलिस पकड़ के लेकर आइए आपको। अरे पुलिस पकड़ के लेकर आइए आप? जी हाँ। कहाँ से? मेरे गांव से। कब लेके आई? कल। आज दूसरे दिन भी पुलिस हिरासत में हो? जी। अब यहाँ क्या करने आए हो? जमानत कराने? हाँ जी, जमानत। हाँ जी। क्या नाम है तुम्हारा? संजय राणा। आपने सवाल जवाब किए थे मंत्री जी? जी मैंने किए थे। उसके साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है और क्या बोलेंगे? तो ये जो FIR जो दर्ज हुई आपके बेटे पर क्यों हुई थी? ऐसा कुछ नहीं है, ये FIR लटका झटका है, ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्री जी के दिमाग में कोई फितूर आ गया हो, वो भी हमारे अपने घर के वही हैं। तो मंत्री जी तो कह रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता है। हाँ कार्यकर्ता है, बच्चा है उनका, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टेक है उनके दिमाग में। आपके बेटे ने आपको बदतमीजी करी? नहीं, कुछ भी नहीं, कर ही नहीं सकता। आप थे मुझे? नहीं, मैं नहीं था ना, तो वहाँ से आया हूँ, अपराध है, सामने आया हूँ।